5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2005 के अंत में एक शहर की जनसंख्या 44,100 हो गई। बताइए वर्ष 2003 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी। मतलब कि आप कह सकते हैं कि टोटल अमाउंट कर दिया है कितना, 44,100 टोटल जनसंख्या है। ठीक, आप 2003 में क्या थी, यानी 2003 से 5 तक ले कितना हो गया, 44,100। तो टी एकर कितना 2003 से 2005 तक ले, 200, यानी कि 2 ईयर। ठीक, अब कितना के दर से बढ़ रहा है, कितना के दर से बढ़ रहा है, 5% है दिया है, 5%। अब पूछ रहा है कि 2003 में कितना था। ठीक, यानी कि एकर मूलधन कितना था, पी कितना था, आ रहा है समझ में, पी कितना था, यही ना था। तो आप क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू क्या याद नहीं हुआ का अभी तक ले, 1 प्लस R/100 के पावर टी। चलिए बोलिए इधर क्या लिखेंगे, 44,100 बराबर एक्स, और 1 प्लस आर कितना, 5% पावर टू। चलिए 44,100 एकर एलसीएम निकालेंगे, कितना हो गया, 100। यस सर, ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 5 के पावर टू, तो 44,100 एक्स गुना 105 बट्टा 100 गुना पावर 2 है तो 2 बार लिख लेते हैं, 5 बट्टा, दिक्कत नहीं है, नहीं सर। चलिए 44,100 है, देखिए 100 एने भागा में है तो एने आएगा तो पंची में, 105 एने गुना में है एने आएगा तो भागा में, फिर 100 एने भाग कर रहा है 105 को, एने आएगा तो कौन सी में हो जाएगा, गुना में, आई का कर रहा है गुना कर रहा है इसमें, तो क्या हो जाएगा इस यहाँ 105 भागा में, एने क्या बच गया, सुखले एक्स बच गया। चलिए तो अब देखिए यहाँ 20 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 21 बेर में, 5 से काटेंगे तो 20 बेर में, 5 से काटेंगे तो 20 बेर में, 5 से काटेंगे तो 21 बेर में, 21 कितना होता है, 421 21 कितना होता है, बताए थे ना 21 के स्क्वायर, यानी कि इससे इका हो जाएगा, कट जाएगा 100 बार में कट जाएगा ना। चलिए अब एक्स, चलिए उधर लिख लेते हैं बाद में हम कर लेंगे ना, 20 गुना 100 बराबर एक्स, ये ना है। अब एक्स के हे बगल ले आ लो, सिमिलरली उसी प्रकार से हे बगल ले आ लो, ठीक, एकरा के ले जाओ ओ बगल, तो 2 दुना 4 आ 1 0 2 0 2 4 0 इसका मतलब 2003 में कितना था हो, 40,000 यस सर, 2003 में कितना था, 40,000।